गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आगे देखिए इंट्रोगेटिव के आगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञार्थक या आज्ञा सूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं मुख्य क्रिया से शुरू होते हैं, बाद में फुल स्टॉप लगा रहता है, ठीक है, और इसमें आदेश का भाव होता है, निवेदन का भाव होता है, सलाह होती है और किसी काम के लिए मना करते हैं, प्रोहिबिशन होता है, ठीक है। तो भाव के अनुसार वाक्य के, यदि आदेश का भाव हो तो ऑर्डर्ड, निवेदन का भाव हो तो रिक्वेस्टेड, अगर सलाह दे रहे हैं तो एडवाइज्ड, ठीक है, और किसी को मना कर रहे हैं तो फॉरबिड। जैसे द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून रिंग द बेल, रिंग द बेल। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून रिंग द बेल। देखिए क्या बताए, इसमें क्या भाव होता है, आदेश का भाव होता है, निवेदन का भाव होता है और या तो सलाह देते हैं, और वाक्य कहाँ से मुख्य क्रिया शुरू होता है, बाद में फुल स्टॉप लगा रहता है। देखिए मुख्य क्रिया शुरू है, बाद में फुल स्टॉप भी लगा है। तो सेंस के आधार पर यदि आदेश का भाव हो तो ऑर्डर्ड, निवेदन का भाव हो तो रिक्वेस्टेड, और अगर सलाह हो तो एडवाइज्ड। तो देखिए द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा, तो प्रिंसिपल चपरासी क्या करेगा, आदेश करेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले द प्रिंसिपल सेड या सेड टू के स्थान पे करते हैं ऑर्डर्ड, यदि आदेश का भाव है तो ऑर्डर्ड, अगर निवेदन है तो रिक्वेस्टेड, अगर कोई सलाह दे रहे हैं तो एडवाइस, और किसी कार्य के लिए मना कर रहे हैं तो फॉरबिड। तो ऑर्डर्ड द प्यून, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू लगाते हैं और इसको इन्फिनिटिव में परिवर्तित कर देते हैं। और ये भी नियम होता है कि यदि किसी भी मुख्य क्रिया के पहले टू लगा दे तो सदैव फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है टू रिंग। उसके बाद सेंटेंस में केवल प्रोनाउन परिवर्तन करते हैं। अब देखिए इसमें कहीं भी प्रोनाउन नहीं है, क्या करेंगे, रिंग द बेल, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, शुरू में बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है आज्ञार्थक या आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, और इसकी खासियत क्या होती है, इसमें आदेश का भाव होता है, निवेदन का भाव होता है, या तो सलाह देते या तो किसी कार्य के लिए मना करते हैं। तो और इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है मुख्य क्रिया शुरू होता है, बाद में फुल स्टॉप लगा रहता है। देखिए जैसे वाक्य है द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून रिंग द बेल, तो क्या भाव है, आदेश का भाव होता है, यहाँ पर क्या कर दिए, ऑर्डर्ड, फिर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान टू लगा दिए, इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा देखिए, द ओल्ड मैन सेड टू द कलेक्टर सेड टू द कलेक्टर प्लीज हेल्प मी, द ओल्ड मैन सेड टू द कलेक्टर प्लीज हेल्प मी। तो देखिए द ओल्ड मैन सेड टू द कलेक्टर, देखिए वाक्य मुख्य क्रिया शुरू है और इसमें जो ये शब्द है प्लीज काइंडली सर मैडम, इससे क्या प्रकट होता है, निवेदन, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो सेड या सेड टू के स्थान पर क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द कलेक्टर फिर
फिर जो सम्मान सूचक शब्द हैं इनको नहीं लिखते हैं, चूँकि यहाँ पे पहले रिक्वेस्टेड लग गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू हेल्प मी, देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ओल्ड मैन के अनुसार चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। एक बार फिर देखिए, जैसे द ओल्ड मैन सेड टू द कलेक्टर प्लीज हेल्प मी, देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज काइंडली सर या मैडम हो तो इससे क्या प्रकट होता है, निवेदन, तो सेड या सेड टू के स्थान क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान टू, उसके बाद केवल प्रोनाउन परिवर्तन करेंगे। तो देखिए मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, क्या हो जाएगा ओल्ड मैन के अनुसार, हिम। आगे देखिए उसके बाद, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, टेक द मेडिसिन रेगुलरली, टेक द मेडिसिन रेगुलरली, देखिए द डॉक्टर से टू द पेशेंट टेक द मेडिसिन रेगुलरली, तो देखिए क्या कर रहे हैं, टेक द मेडिसिन रेगुलरली, देखिए वाक्य मुख क्रिया शुरू है, कौन सा भाव है, डॉक्टर, अगर डॉक्टर पेशेंट को क्या करता है, सलाह देता है, एडवाइस देता है, तो क्या करेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, ठीक है। फिर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली, एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक द मेडिसिन रेगुलरली, क्या बताएं, यदि रिपोर्टेड स्पीच मुख क्रिया शुरू हो बाद में फुल स्टॉप, इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस, तो सेंटेंस में चेक करेंगे कि सेंस क्या है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा, डॉक्टर का काम क्या होता है, सलाह देना, तो इस पर क्या यूज करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड, उसके बाद बताए थे कि कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान टू का प्रयोग करते हैं, फिर केवल प्रोनाउन परिवर्तन करते हैं। अब इसमें कहीं भी प्रोनाउन नहीं है तो पूरा जो वाक्य है, चूंकि टेक के पहले टू लग गया तो फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, आगे वही लिख लेंगे। दूसरा वाक्य देखिए आगे, द मदर सेड टू हर चाइल्ड, डू नॉट गो आउट, द मदर सेड टू हर चाइल्ड डू नॉट गो आउट, माता ने अपने बच्चे से कहा बाहर मत जाओ, तो देखिए डू नॉट लगा है, डू नॉट मतलब इम्परेटिव का निगेटिव, जब किसी काम के लिए मना करेंगे तभी निगेटिव में होगा, डोंट लगाएंगे, ठीक है। तो जब किसी काम में मना करें डोंट लगा हो तो सेड या सेड टू के स्थान क्या लगाएंगे, फॉरबिड, तो देखिए द मदर सेड टू हर चाइल्ड डू नॉट गो आउट, द मदर फॉरबिड हर चाइल्ड, द मदर फॉरबिड हर चाइल्ड, और फॉरबिड मतलब होता मना करना, उसी का सेकंड फॉर्म है फॉरबिड, ठीक है, द मदर फॉरबिड हर चाइल्ड टू, और यहाँ पे यदि फॉरबिड का यूज करेंगे तो यहाँ डू नॉट हट जाएगा, टू गो आउट,
ये भी हो सकता है डू नॉट के स्थान पर इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डोंट होता है, भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, द मदर सेड टू हर चाइल्ड डू नॉट गो आउट, तो क्या करेंगे, देखिए पहले देखेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच है क्या है, रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव है, तो जब निगेटिव सेंटेंस होगा सेड या सेड टू का स्थान फॉरवर्ड का यूज करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू का यूज करेंगे। उसके बाद यदि किसी प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तब प्रोनाउन का यूज करेंगे, नहीं तो प्रोनाउन को चेंज करेंगे, नहीं तो वही पूरा लिख लेंगे। ठीक है, चैनल को देखते रहिए सब लोग, अगर कहीं भी कोई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।